नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। काली चौदस की रात आ रही है और बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जिसको अगर आप करें तो आपका जीवन बहुत सरल और सहज हो सकता है। आज जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ वो भैरवी का मंत्र है। त्रिपुरा भैरवी महामंत्र कहते हैं इसको। और आपके जीवन में जो भी बड़ी समस्या हो उस समस्या का हल आपको इस मंत्र के जाप से मिल जाएगा। इस मंत्र के अंत में दशांश हवन करना होता है। बहुत लंबा चौड़ा इसका विधान नहीं है। ये जो भैरवी मंत्र है त्रिपुरा भैरवी का, इसका जाप चाहे तो आप किसी गौशाला में कर सकते हैं या फिर स्मशान घाट में कर सकते हैं। अगर गृहस्थ हैं तो गौशाला में कर लीजिए और अगर साधक हैं तो वो स्मशान में जाकर के इस मंत्र का जाप करेंगे। त्रिपुरा भैरवी के इस जाप से जो भी आपका बहुत दिन से अटका हुआ काम हो या फिर अटका हुआ साधना हो जो कि पूर्ण नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आप संकल्प करेंगे और पूरा जो जितने देर तक आप मंत्र जाप करते हैं वो पूरा समय उसी काम के ऊपर आपको अपने ध्यान को केंद्रित रखते हुए करना होगा। मंत्र का 1000 जाप होगा और फिर उसका दशांश हवन होगा। तो दशांश 100 ना करके आप 108 बार उसका दशांश हवन करेंगे, ठीक है। तो विधान क्या है? विधान ये है कि आप लाल वस्त्र पहनेंगे, लाल आसन रखेंगे, सर को बांध लेंगे, कर माला से आप जाप करेंगे, ठीक है। इसमें किसी भी माला का आप और प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ कर माला से आप इसका जाप करेंगे। भगवती को पहले जो 5 चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, धूप, दीप, नवेद्य, गंध और पुष्प, ये 5 चीज़ों को अर्पण करके भगवती को आप बुलाएंगे, ठीक है। भगवती को बुलाएंगे, 5 चीज़ें अर्पण किए, उसके बाद खुद की सुरक्षा करेंगे। उस खुद की सुरक्षा के लिए बहुत सारा मंत्र मैंने आप लोगों को बताया है। जैसे आसान मंत्रों में ओम ह्रीम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, इस मंत्र से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। 3 बार पढ़ के फूंक लीजिए। तो रक्षताम देवी चामुंडे रक्षताम भूतात्नी हरिणी रक्षताम सरस्वती देवी कालरात्रि नमोस्तुते, ये भी एक मंत्र है। साबर मंत्र आप लोगों को बहुत सारा मैंने दिया है, जैसे कि दे बंधो मन बंधो पीड़ा बंधन सार, सोलो सती डाकिनी जोगिनी बंधो दिए लोहार गलाए हार, ए घर भेगे जे जे नाशेश्वर महादेव त्रिशूल भेगे गए तारबुके लाग तारबुके लाग तारबुके लाग। मतलब जो भी आपके पास रक्षा मंत्र है उससे अपना रक्षा आप कर लीजिए। शरीर की रक्षा कीजिएगा, घेरा मत बनाइए। घेरा बनाने से बहुत सारी शक्तियाँ आपके आसपास नहीं आती हैं। और गौशाला या फिर जो आप स्मशान में साधना करते हैं, बहुत बार आपका उद्देश्य ही होता है कि शक्ति आपसे संपर्क करे, तो ये गलती ना करिए, ठीक है। करना क्या है, आप अपने भूमि पर बैठ के आपने लाल आसन लगाया, उस पर बैठे, भगवती का आवाहन किया, दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलित करने का मंत्र मैंने आप लोगों को बता रखा है। उसमें भगवती को आवाहन करेंगे और दीप को ही भगवती के रूप में पूजा जाता है। उसके बाद अगरबत्ती आपने जलाया, उसके बाद गंध दिया, पुष्प चढ़ाया, भोग दिया। भोग का कोई बहुत नियम नहीं है, तो आप मिष्टान चढ़ा सकते हैं। भोग देने के बाद आप 1000 बार जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ उसका जाप करेंगे। मंत्र को ध्यान से सुनिएगा, 3 बार मैं बताऊँगा। मंत्र है ओम ऐम छैम प्रेत पक्षासनाय नमः ओम ऐम ह्रीम हंसौ त्रिपुरायै प्रेत पद्मासन सभास्थितै नमः। फिर से मंत्र सुनिए, ओम ऐम छैम प्रेत पक्षासनाय नमः ओम ऐम ह्रीम हंसौ त्रिपुराय प्रेत पद्मासन सभास्थितै नमः। फिर से एक बार इस मंत्र को सुनिए, ओम ऐम छैम प्रेत पक्षासनाय नमः ओम ऐम ह्रीम हंसौ त्रिपुरायै प्रेत पद्मासन सभास्थितै नमः। इस मंत्र का 1000 जाप करेंगे। उसके बाद इसका आप दशांश हवन करेंगे। दशांश हवन कैसे करेंगे? तो त्रिकोण बनाएंगे, जो आप समिधा की लकड़ी रखेंगे, वो किसी भी लकड़ी, आम की लकड़ी सर्वोत्तम होती है, ऐसे आपके पास जो भी अवेलेबल समिधा की लकड़ी है उसको आप दक्षिण की तरफ पॉइंट करते हुए उसको त्रिकोण बनाएंगे और उसके बाद दक्षिण के उल्टे तरफ, मतलब जिस तरफ सीधी लकड़ी रखिए उस तरफ आप बैठ जाएंगे। कोना आपके सामने होना चाहिए त्रिभुज का, और फिर उसमें भगवती का हवन करेंगे रार से, ठीक है। ऐसा करने से जो भी काम, जिस भी मनोकामना के साथ आप उस पूरे जाप को कर रहे हो, वो जाप आपका पूरा हो जाएगा। शॉर्ट में बहुत अच्छी साधना है, जिसको किसी चीज़ का तुरंत फल प्राप्ति करना है, वैसे लोग इस आने वाले काली चौदस को स्मशान या गौशाला में बैठ करके इस साधना को करें और अपना जो भी अटका हुआ काम है उसको पूरा कर लें। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना का तंत्र मंत्र सीखना है, जिनको बंधन मंत्र सीखना है, आसन मंत्र सीखना है, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। जिनको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें rudranath@cm4 सर्च करिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप उससे मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrarhasya.xyz ये मेरा वेबसाइट है, इसमें आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। भगवती भैरवी आप सभी पर आशीर्वाद बनाए रखे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।